हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और तो आज मैं रनिंग पे आया था, यानी आज या रोज ही रनिंग पे आता हूँ। तो क्या हुआ था, तो मैंने सोचा एक सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो क्यों ना आपको नज़ारा दिखाया जाए यहाँ का। ये अभी तो मैं खड़ा हूँ शहीद पार्क के पास, जहाँ पर सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है उत्तराखंड का, 155 फीट जिसकी ऊंचाई है। ये उसका पोल लगाया, दिख रहा होगा आपको ऊपर तक। तो आज सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बढ़िया। सुनसान रोडें पड़ी हैं, नहीं बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं रनिंग के लिए, तो नहीं आते भी हैं, थोड़ी बगल वाली रोड में भी बहुत भीड़ होती है, इतनी भी नहीं होती है। आजकल पूरा सुनसान पड़ा रहता है कोरोना के डर से, देख सकते हो। और ये रहा शहीद पार्क, बहुत बढ़िया लग रहा है। बारिश होने वाली है थोड़ी देर में ही, तो मैंने कहा कि थोड़ा ब्लॉग बना के थोड़ा आपको दिखाया जाए यहाँ का नज़ारा, कि लॉकडाउन में हल्द्वानी का क्या सीन शॉट चल रहा है। पूरा पार्क खाली पड़ा है, पता नहीं आज ही क्यों खाली दिख रहा है यार। वैसे रोज तो थोड़े बहुत बंदे रहते हैं यहाँ एक्सरसाइज करने वाले, लेकिन आज ही पूरा पार्क शांत है बिल्कुल, देख सकते हो आप। रोड में रनिंग कर रहे हैं तो फिर हल्द्वानी में यही चल रहा है, बिल्कुल सुनसान सड़कें। 10 बजे के बाद तो यहाँ कोई घूम भी नहीं सकता, घूम क्या यानी कि घूमना भी नहीं चाहिए। 10 बजे के बाद यहाँ की पुलिस अपनी बैन में बढ़ा के ले जा रही है सब। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बाद, यानी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुलती हैं, हम कुछ दिन 12 बजे तक खुलती है शायद शनिवार को, इतना मुझे पता नहीं है। तो पूरा पार्क शांत पड़ा है आज, नहीं आया हूँ खाली यार। मौसम बहुत अच्छा है यार, थोड़ी देर में भीड़ होने वाली है यहाँ पर, अभी उठे नहीं होंगे ना सो इसलिए। तो देख लिया आपने यहाँ का नज़ारा, अब हम चलते हैं रूम के साइड। चलो अब रूम के साइड चलते हैं, फिर रूम में जाके आपसे बात करते हैं। ऐसे ही सारे ब्लॉग बन रहे हैं, अब कैमरा इतना भारी लेके कहाँ मुझे तो क्लियरिटी उतनी शायद नहीं है, दिख भी नहीं रही होगी, बट काम चल रहा है। बहुत हवा चल रही है ऊपर, क्योंकि बारिश आने वाली है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है ऊपर आके, बहुत हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है यार,
हल्द्वानी की मॉर्निंग। चाय जब तक कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन करंट अफेयर का, और आज के भी करंट अफेयर पढ़ना है, तो ठीक है फिर बाय। साथ साथ चाय भी।